हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहें, ये हरियाणा का रोहतक है। शनिवार को रोहतक शहर की तस्वीरों ने प्रदेश में राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया और साथ ही किसानों के गुस्से को बढ़ाने का काम किया है। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रोहतक में आज दो तस्वीरें ऐसी देखने को मिली हैं जो प्रदेश में राजनीति को नया मोड़ दे सकती हैं। पहली तस्वीर किसानों की, जहाँ किसान मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से पहले तय हेलीपैड के स्थान पर पहुँचे, जहाँ मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। यहाँ मुख्यमंत्री तो पहुँचे नहीं, लेकिन किसानों और पुलिस के बीच झड़प जरूर देखने को मिली। ये तस्वीरें आप भी देखिए। चलिए अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का आज रोहतक में कार्यक्रम तय था। उन्हें रोहतक से बीजेपी सांसद के पिता के निधन पर उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचा था। जैसे हरियाणा सरकार के मंत्रियों ने कार्यक्रम तय समय पर हुआ और मुख्यमंत्री अपने कार्यक्रम को संबोधित कर दिल्ली निकल गए। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने किसानों के हुए विरोध को लेकर कटाक्ष किया और कहा कि ये लोकतंत्र नहीं, जहां धरना प्रदर्शन चल रहा है आप वहां विरोध कर सकते हैं, पूरे प्रदेश में नहीं। कोई आपने देखा किसी तरह का भी हरेक बिरादरी के हरेक धर्म के लोगों ने आशीर्वाद दिया, पहुँचे हुए थे। और ये मेरे पिताजी और मेरे दादाजी, उनका अपना एक समाज सेवा, उनका प्यार, उनका लगाव था कि लोगों का हुजूम आशीर्वाद देने के लिए उमड़ा। मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ। किसी तरह की व्यवस्था नहीं हुई। जो लोग जैसी बातें करी होंगी वो दूर ही दूर रहे, किसी ने कोई डिस्टर्बेंस नहीं की। लेकिन इंसानियत के नाते उनको भी आज क्या चाहिए था इस तरह का प्रदर्शन करना? देखिए, ऐसा है, हर एक की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी तरह से सोचते हैं और उनकी अपनी सोच है। लेकिन सबकी सोच एक पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, जो समाज के अच्छे काम है उनमें सबको मिलजुल करके, क्योंकि समाज में अच्छे कामों का एक यज्ञ होता है और ये यज्ञ तभी संपूर्ण होता है जिसमें हर बिरादरी की, हर धर्म की आहुति लगती है। तो मेरी सोच तो ये। शुक्रिया। नहीं, विरोध करने वाले तो अपनी बात विरोध करते रहेंगे। लोकतंत्र में विरोध करना, अपनी बात को उठाना, परंतु अपने मंच पे कहे, जहाँ बात करनी अपने विरोध करें, कौन लोकतंत्र में कोई रोक नहीं सकता। परंतु ये गलत तरीका है कि किसी कार्यक्रम में बीच में आकर उस कार्यक्रम को बाधा बनाकर रुकवाना, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि जनता उनका साथ देगी। मुख्यमंत्री मुखिया होता है प्रदेश का, और इस तरह से स्थान बदलना, हेलीपैड कहाँ है कहाँ? नहीं नहीं, वो उस कारणों से नहीं बदला। बदला तो ये है कि नज़दीक यहाँ पड़ता था, पुलिस लाइन ग्राउंड से यहाँ आते थे, इसलिए ये बदला। और मैं कहता हूँ कि पहले मुख्यमंत्री हरियाणा के होंगे, जो मैं आकलन कर रहा हूँ, जब से हरियाणा बना है। ओम प्रकाश चौटाला ने किसानों पर गोलियाँ चलाई, कई किसान मरे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मैयड़ पे किसानों को मारा। बंसीलाल ने कादमा में किसानों के ऊपर गोली चलाई। भजनलाल ने चलाई।
वर्तमान के पहले मुख्यमंत्री हैं जो आज तक इसको कोई कमजोरी ना समझे भाई किसानों पे लाठी गोली नहीं चलाई, ये कमजोरी ना समझे। इस कमजोरी का कुछ लोग जो शरारती हैं, जो किसानों के शरीफ किसानों बंदूक रख कंधे पे बंदूक रख चला रहे हैं, तो समाज उनको माफ़ नहीं करेगा। कहीं ना कहीं लगता है कि राजनीतिक समावेश है इस, मैंने कहा कि विरोधी दल है जो मत से तो जीत नहीं पाए, मत से तो जनता ने हरा दिया, केंद्र हो प्रदेश हो, वो इस तरह का अराजकता फैलाकर प्रदेश में सत्ता में बैठना चाहते हैं, जनता ऐसे बिठाने वाली नहीं है उनको। तो क्या लगता है आगे इस तरह से सख्ती बरती जाएगी या? मैंने कहा कि जिस तरह का इस शराफत का फायदा मुख्यमंत्री ना समझे, शरीफ होना कोई गुनाह नहीं है, बदमाशों के थोड़े दिन होते हैं, शरीफ लंबा चलता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आज रोहतक में सांसद अरविंद शर्मा के पिता की रस्म क्रिया में भाग लेने के लिए पहुंचना था, जिसके चलते मस्तनाथ इंजीनियरिंग कॉलेज में हेलीपैड बनाया गया था। किसानों को जैसे ही सूचना मिली तो भारी संख्या में किसान हेलीपैड के पास पहुंच गए। सुरक्षा के मद्देनजर पहले से ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था, जिसके चलते किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। किसानों ने बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया, इस दौरान पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, जिसके चलते कई किसान घायल हो गए। आखिर मुख्यमंत्री को रोहतक पुलिस लाइन में ही हेलीपैड बनाकर उतारा गया और मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच गए। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।